इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमबी में आपके साथ में है। इस वक्त अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के नीमच शहर में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार से प्रारंभ हो गई है, जिसमें गुरुवार को कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वही शुक्रवार को कक्षा 10वीं बोर्ड के लिए परीक्षा आयोजित की गई। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिले में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिस पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। यह परीक्षा 18 फरवरी से प्रारंभ होकर 8 मार्च तक आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से जिले के 40 सेंटरों पर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। सभी सेंटरों पर कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। नीमच जिले में 40 सेंटर बनाए गए हैं, 9000 से ऊपर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा सभी जगह शांतिपूर्वक से चल रही है। मैंने अभी जैसे क्रमांक 2 का निरीक्षण किया है, सभी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, कहीं कोई नकल प्रकरण वाली स्थिति नहीं है, सभी व्यवस्थित परीक्षा चल रही है, संचालन अच्छी तरह से चल रहा है। व्यवस्था कर रखी है उसमें, हमने अलग से बच्चों को रखवा देते हैं और वहाँ हमारे क्या है कि जो यहाँ के चौकीदार वगैरह है वो निगाह रखते हैं कि बैग लेके आते हैं, कोई दूर से आते हैं प्राइवेट वाला, जैसे ये प्राइवेट का सेंटर है, प्राइवेट सेंटर में बच्चे रेगुलर था, ये वो भी बच्चे लाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर तो ले जा नहीं सकते हैं, कुछ हो सकता है, कोई ऐसी सामग्री हो जो अवांछित हो तो उसको हम बाहर रखवा देते हैं और बाद में जाते समय वापस लेते हैं। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, वैसे मुझे नहीं लगता कि नीमच जिले में कहीं ऐसी स्थिति हो, इतना तो ध्यान रखते हैं सभी, क्योंकि केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष सभी हमारे गंभीर है और वो सभी इस बात को जानते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। ये तब तक अपडेट लगातार जानकारी के लिए बने।